हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन के अंदर। तो जल्दी से सारे बच्चे फटाफट से आ जाइए, 8:02 का समय हो चुका है और समय हो चुका है वो कैप सेशन का। सभी को गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से क्लास को कर दीजिए शेयर, सारे बच्चों को बुला लीजिए और अब हम करेंगे वो कैप सेशन का शुभारम्भ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, मनप्रीत, आकाश, वीर, कुलदीप, मनीष, जसवीर, जस, प्रियंका, जसप्रीत, मनदीप कौर, सभी को गुड इवनिंग बेटा। राजन, सोनी, अवनीत कौर, जानी, बहुत बढ़िया बेटा। आप बताइए कैसे हो सभी लोग, पढ़ाई सबकी कैसी चल रही है? बढ़िया एकदम। फटाफट से एनर्जेटिक हो जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए और उसके बाद अपने शुरू करेंगे हमारे धमाकेदार सेशन को। हाँ जी बिल्कुल, तो स्वागत है आप सभी का हमारे 93 एपिसोड के अंदर। वो कैप सेशन का 93 एपिसोड है आज, 93वां सेशन है हमारा। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से, सभी को प्यार भरी गुड इवनिंग। हाँ जी, शेयर कर दीजिए बेटा क्लास को ताकि सारे बच्चे आ जाए। मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, आप बताइए कैसे हो सारे, आप बताइए सभी कैसे हो बेटा, सभी ठीक ठाक हो? शेयर कर दो बेटा क्लास को जल्दी से। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, जिसने लोगों ने शेयर कर दिया है क्लास को, लाइक कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखो, कल हमने वन वर्ड पढ़ने का काम किया था, कल की क्लास में हमने वन वर्ड पढ़े थे और आज की क्लास में भी हम वन वर्ड ही पढ़ेंगे। ठीक है, दो दिन हम आज वन वर्ड पढ़ेंगे, कल भी हमने वन वर्ड पढ़े थे, आज भी दोबारा से वन वर्ड पढ़ेंगे। आई होप सो कि कल की क्लास में जो वन वर्ड आपने पढ़े थे वो आपको याद हो गए होंगे। तो बेटा इस सेशन में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप इस सेशन में जुड़ते हो, ठीक है, जब इस सेशन में आप जुड़ते हो तो आपको एक बात कंफर्म कर लेनी है कि इस सेशन के अंदर आपको मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट रखनी है, आपको आंसर करने हैं। आपको आंसर आता है बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आंसर आपको नहीं आता है तो भी आप एक बार आंसर कीजिए और अपना आंसर चेक कीजिए कि आपका आंसर गलत था या सही था, ठीक है। और एक बार जल्दी से मुझे फटाफट से ये बता दो बेटा, आवाज सबके पास सही आ रही है, ऑडियो वीडियो एकदम ओके है, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। हाँ जी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है और मैंने मैसेज भी डाला था टेलीग्राम पर, कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हमारा रिटर्न क्लियर हो चुका है। तो बेटा जिन लोगों का रिटर्न क्लियर हो चुका है बहुत बहुत बधाइयां आपको, और अगला फेज जो है आपका वो टाइपिंग का है, तो अपने टाइपिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है, टाइपिंग पे अपने ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं आगे के लिए क्या आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ है वो कांटेक्ट कर लें, अपना नाम सेंड कर दें, उनसे हम जल्दी ही बात करेंगे कल के दिन में या परसों के दिन के अंदर, ठीक है, जिनका रिटर्न क्लियर हो चुका है। तो काफी सारे बच्चों का मैसेज आया था रिटर्न क्लियर हो चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, बच्चे अभी बहुत कम हैं और जो भी बच्चे बेटा क्लास लगाते हैं 8 बजे राइट पहुंच जाया करो ताकि सेशन को हम बिल्कुल टाइम पे टाइम स्टार्ट कर सकें। चलो जी, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा, आंसर पोल पे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके सामने अभी पोल आ जाएगा, पोल पे भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज की अमाउंट के अंदर, नंबर के अंदर अगर रैपिड इंक्रीज आ जाता है, रैपिड का मतलब होता है बहुत तेजी से अगर कोई चीज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, रैपिड का मतलब बहुत तेजी से, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, अगर कोई नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है या किसी चीज की अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोलीफिरेशन कहेंगे, उसे हम प्रमोशन कहेंगे, उसे हम प्रोपेंसिटी कहेंगे या फिर उसे हम पाउसिटी कहेंगे। जल्दी से एक बार आंसर कीजिए फटाफट से, फटाफट से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या आएगा। सारे बच्चे बेटा आंसर जरूर किया करें, जितने भी बच्चे क्लास लगा रहे हैं सभी ने आंसर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आंसर सही होना चाहिए, आपको जो भी लगता है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको लगता है कि सर बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, आप अपना आंसर कीजिए, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी लेट लतीफ जो लोग हैं, सभी आ जाओ फटाफट से। आंसर क्या आएगा बताइए, प्रोलीफिरेशन आएगा, प्रमोशन आएगा, प्रोपेंसिटी आएगा या पाउसिटी आएगा? तो मुझे लगता है कि आप में इसको
इसमें से कुछ वर्ड आपने शायद पढ़े हों और कुछ वर्ड आपके लिए नए होंगे, ठीक है। तो हम सारे वर्ड्स पे ही बात करते हैं, चाहे वो इस क्वेश्चन का आंसर है या इसका आंसर नहीं है, हम सभी क्वेश्चन पे सभी ऑप्शन पर बात करते हैं। वेरी गुड। सिमरन कौर ने हमें बताया कि सर पाउसिटी का मतलब तो होता है किसी चीज के अंदर क्या हो जाना, किसी चीज के अंदर कमी हो जाना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। जब कोई चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिस चीज के अंदर कमी हो जाती है, इसे डर्थ भी कहते हैं। डर्थ भी इसको कहते हैं, कमी होना, ठीक है। किसी चीज के अंदर कमी होना, किसी चीज के नंबर में कमी होना, किसी चीज की अमाउंट में कमी होना, उसे हम पाउसिटी कहते हैं। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं भाई जिसके अंदर इंक्रीज होता है, तो ये पाउसिटी तो आपका आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हाँ जी, गुड इवनिंग मनीष अरोड़ा जी। आगे वर्ड है हमारे पास प्रमोशन। तो प्रमोशन आपको पता है, प्रमोशन भी किसी चीज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन प्रमोशन नंबर बढ़ाने के लिए नहीं होता, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए प्रमोशन नहीं होता। प्रमोशन मीन्स किसी चीज को प्रमोट करना, आगे लेकर जाना होता है, ठीक है बच्चे। हाँ जी, उसके बाद जिनके पास पोल नहीं आ रहा बेटा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके बाद है एक वर्ड है प्रोपेनिसिटी। प्रोपेनिसिटी का मतलब होता है जब आपका किसी चीज के प्रति झुकाव होता है, टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, आपका किसी के प्रति अट्रैक्शन, झुकाव हो जाता है। कई बार वो चीज के काम, उस काम के लिए हम ज्यादा सोचने लगते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं प्रोपेनिसिटी, ठीक है। तो प्रोपेनिसिटी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चे क्या, प्रोलीफिरेशन। क्या आंसर आएगा, प्रोलीफिरेशन। इट मींस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट के अंदर ए आंसर किया था, तो जिन बच्चों ने भी ए आंसर किया है बिल्कुल ठीक है। और यहां पे मैं देख पा रहा हूं पोल पे लगभग 50% यानी कि 49% स्टूडेंट ने ए आंसर किया है। वेरी गुड बच्चों, इसी तरीके से आपको राइट आंसर देते जाना है हर क्वेश्चन के, ठीक है। हर क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देना है और सारे के सारे मीनिंग जो है, बेटो एक बात का ध्यान रखना, देखो सिर्फ मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि मेरी क्लास के अंदर जब आप आते हो तो आपका एक मकसद होना चाहिए कि आपने सीख कर जाना है, ठीक है। आपने रटना नहीं है किसी भी चीज को कि सर ये क्वेश्चन आ गया, इसको मैं रट्टा मार लूं, इसका आंसर प्रोलीफिरेशन आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सारे ऑप्शन आने चाहिए, क्योंकि जब आपको सारे ऑप्शन आते होंगे तो आपको एक क्वेश्चन नहीं, आपको चार क्वेश्चन याद होंगे। कितने क्वेश्चन याद होंगे, चार क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। हां जी, चंगी शुरुआत होगी सारे दी, चलो बहुत बढ़िया गल है बेटा, चंगी शुरुआत होगी, तुहाडी खाता खुल गया तुहाडा, ठीक है। एक नंबर पक्का हो गया। तो एवें ही अगे दे जिहड़े क्वेश्चन आणगे उन्हां दे भी आंसर तुसीं बिल्कुल सही देने हैं, ठीक है। एक एक नंबर करके ही आपां पेपर पास करना, क्योंकि एक एक नंबर बहुत अहमियत हुंदी है। एक नंबर की भी बच्चों को पता नहीं है, कहिंदे सर एक नंबर का वन वर्ड आना की पढ़ना है ना, एक नंबर का वन वर्ड आना की करना पढ़ के। नहीं बेटा, एक नंबर जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार आप देखते हैं ना, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं कि सर मेरा 0.25 से पेपर फेल गया, सर मेरा 0.50 से पेपर फेल हो गया। तो एक नंबर की भी अहमियत है, क्योंकि एक एक नंबर जब आप जोड़ोगे, एक नंबर आपका idiom में आएगा, एक नंबर आपका one word में आएगा, एक नंबर आपका synonyms, antonyms में आ जाएगा। तो ऐसे करते करते आप 5-7 नंबर इस vocab session से, इस 8-9 वाले session के अंदर अपने पक्के कर लोगे, ठीक है ना। हाँ जी, शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं जी, बहुत बधाइयां बेटा। जिनका पेपर पास हुआ है हाईकोर्ट का, उनको बहुत बहुत बधाइयां। अपने अगले टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कीजिए, और मुझे फाइनल सिलेक्शन चाहिए, देखो ठीक है, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एक बहुत अच्छी पोस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लिविंग द एयर। जो चीजें कहां रहती हैं, हवा में रहती हैं, ठीक है। जो चीजें हवा में रहती हैं, तो क्या सर हवा में तो हम भी रहते हैं, है, हम भी सारा दिन हवा में रहते हैं, ठीक है, कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो बेटे वो वाली हवा की बात नहीं कर रहा, कुछ चीजें हवा में रहती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से। हरिंदर सिंह कह रहे सर पंजाबी बोलो, तुम पंजाबी वधिया लगते हो। नहीं बेटा, पंजाबी मेरी बहुत खराब है, ठीक है। हिंदी ठीक है, हिंदी सबको समझ में आती, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि सर की पंजाबी अच्छी नहीं है, ठीक है, हिंदी सही है। चलिए बेटा लाइक शेयर कर दीजिए क्लास को, अभी लाइक बहुत कम है। क्वेश्चन है हमारे पास लिविंग इन द एयर, जो चीजें हवा में रहती हैं, ठीक है, हवा में रहती हैं। तो जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से। क्या आंसर आएगा, हेवनली आएगा, फीदर आएगा, फीदरी आएगा, सॉरी एरियल आएगा, या फिर इसका आंसर विजुअल आएगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए सारे बच्चे, सबके आंसर आ जाएंगे उसके बाद ही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये आंसर सही है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस मान लीजिए आप अपनी, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट से। अच्छा, जानी कह रहा है पापा की परियां भी हवा में रहती हैं, हाँ वो तो हवा में रहती हैं बेटा, परियां हैं तो हवा में ही रहेंगी, ठीक है। हेवनली, तो देखो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, वर्ड है हेवनली। तो हेवनली क्या होता है,
हेवनली बॉडीज आपने सुना होगा, ठीक है, हेवनली बॉडीज आपने सुना होगा, इसे सेलेशियल भी कहते हैं, ठीक है, इसे सेलेशियल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्टार है, ठीक है, आपका मून है, आपके जितने भी प्लैनेट हैं, वो सारे के सारी चीजें कैसी कहलाती हैं, उन चीजों को हम कहते हैं हेवनली बॉडी। क्या कहते हैं बच्चे? हेवनली बॉडी कहते हैं उनको, ठीक है बच्चे। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ये तो हेवनली बॉडीज हैं, सेलेशियल चीजें हैं जिसमें स्टार मून प्लैनेट ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फीदरी। तो फीदर क्या होता है बेटा? फीदर वो होता है जिनके पंख होते हैं, जिनके क्या होते हैं बेटा? फीदर का मतलब होता है जिनके पंख होते हैं, ठीक है। विजुअल का मतलब, विजुअल का मतलब दैट कैन बी सीन, जिनको देखा जा सकता है, विजुअल वो होती हैं जो चीजें देखी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, एरियल इज द करेक्ट आंसर। तो एरियल कहते हैं जो चीजें किसमें रहती हैं, हवा में रहती हैं, उन्हें कहते हैं एरियल, ठीक है बच्चे। तो जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही है। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो 74% स्टूडेंट का आंसर सही है, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके से, इसी जोश के साथ आपने आंसर करने हैं, और इसी जोश के साथ बेटा क्लास को भी शेयर कर दीजिए एक बार। बच्चे अभी कम है, अभी बहुत कम है बच्चे, जल्दी से एक बार शेयर कर दो फटाफट से सारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए सारे बच्चे क्लास को, ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएं और इस पार्टिसिपेट करें, इस टेस्ट को, इस कंपटीशन को पार्टिसिपेट करें, आंसर कीजिए। देखो आंसर करने से कितना फायदा हो रहा है कि हमें हाथों हाथ हमारा आंसर भी पता लग रहा है कि गलत हो गया या सही हो गया, और हाथों हाथ हम वर्ड भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो डबल फायदा हो रहा है, एक तो हम अपने आप को टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि भाई हमें इस क्वेश्चन का आंसर आता था कि नहीं आता था, ठीक है, और दूसरी बात कि टेस्ट करने के साथ साथ हम अपने नए वर्ड भी सीख लेते हैं कि सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लाइक वाला बटन भी दबा दो, अभी लाइक तो जितने लाइव हैं संख्या उससे आधे लाइक हैं, तो जल्दी से लाइक वाला बटन भी दबा दो फटाफट से, वेरी गुड, ठीक है। हां जी चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आज का देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर आपको एटमोस्फियर का प्रेशर, प्रेशर को अगर आपने क्या करना है, मेजर करना है, प्रेशर को मेजर करना है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए सारे बच्चे कि प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? थर्मोमीटर का यूज करते हैं, या फिर वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, या फिर एल्टीमीटर का यूज करते हैं, या फिर बैरोमीटर का यूज करते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए सारे बच्चे, हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो, ठीक है बच्चे, हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बाकी के ऑप्शन भी आपको पता होने चाहिए। जल्दी से आंसर कीजिए सारे बच्चे कि जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? वेरी गुड इवनिंग बेटा राजदीप कौर, जल्दी आया करें क्लास में, क्लास का टाइम 8 बजे है, तो 8 बजे पहुंच जाया करो। कर दो बेटा शेयर कर दो क्लास को, अभी 100 बच्चे, 150 बच्चे कम है, फटाफट से बढ़ा दो संख्या को। वेरी गुड इवनिंग सभी को जो लेट लतीफ लोग आ रहे हैं अभी। हां जी एन इंस्ट्रूमेंट यूज मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जल्दी से बता दो सारे बच्चे। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, अभी तक जितने भी बच्चों के आंसर आ रहे हैं सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका आंसर डी आना चाहिए, तो देख लेते हैं भाई डी आएगा या नहीं आएगा। तो देखो एक बात यहाँ पे सबसे पहले ये है कि देखो यहाँ पे सबके लास्ट में क्या लगा है, मीटर लगा है, क्या लगा है, मीटर लगा है। तो भाई मीटर का काम क्या होता है? मीटर का काम यही तो होता है किसी चीज को मेजर करना, ठीक है। आपके घरों में मीटर लगा हुआ है, वो आपकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। और जो वोल्टेज आती है आपके घर में, ठीक है, जो वोल्टेज आती है उसको जो मेजर करता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वोल्ट मीटर कहते हैं। आपका थर्मोमीटर क्या करता है बेटा? थर्मोमीटर आपका क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। किसे मेजर करता है? टेम्परेचर, यानी तापमान कितना है। गर्मी में आप कहते हैं कितनी गर्मी हो गई है, ठंड में आप कहते हैं इतनी ठंड हो चुकी है, तो मेजर करता है किसको? टेम्परेचर को करता है। तो टेम्परेचर को जो मेजर करता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं। कोई बताएगा मुझे कि एल्टीमीटर को कब यूज किया जाता है? एक बार कमेंट करके बताएगा कोई बच्चा, किसी को पता है तो।
हाँ बेटा, 4 वाली क्लास आज नहीं थी, आज कुछ मीटिंग थी, तो उसको रिकॉर्डेड क्लास या कल लाइव लगा देंगे, अगर रिकॉर्डेड नहीं हुई तो कल लाइव लगा देंगे उस सेशन को, ठीक है। हमारा कंडीशन खत्म होने वाला है उसके अंदर, तो कल कंडीशन को खत्म भी करेंगे फाउंडेशन बैच के अंदर जो क्लास चल रही है, और कल कंडीशन की हम टेस्ट मतलब उसकी शीट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए लैक्टोमीटर क्या होता है। लैक्टोमीटर तो बेटा आपको पता होना चाहिए, साइंस पढ़ते हो आप सारे बच्चे। एल्टीमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए नहीं होता एल्टीमीटर बेटा, जल्दी से बताओ एल्टीमीटर किसके लिए यूज किया जाता है। कुछ लोगों ने थर्मोमीटर कर रखा है, हाँ कुछ लोग तो बेटा बेहोश होते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने गलत किया है वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हमारी क्लास में जब आने लगेंगे डेली तो वो भी सीख जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रमन अबोहर जो स्टूडेंट है, इन्होंने बताया कि सर एल्टीमीटर जो होता है, देखो आप कभी स्टेशन पे गए हो, स्टेशन पे तो गए होगे सारे, ट्रेन पकड़ी होगी सबने, नहीं गए होगे तो कभी कभी गेड़ा मारने के लिए स्टेशन पे चले जाते हो, तो स्टेशन का आपने जो बोर्ड देखा ना, जैसे बठिंडा के स्टेशन पे आप जाते हो, तो बठिंडा के स्टेशन पे आप जाके देखोगे, हाँ तो वहां पे बठिंडा लिखा होगा, एक तो बड़े बड़े अक्षरों में बठिंडा लिखा होगा, और उसके ऊपर लिखा होता है समुन्दर तल से ऊंचाई कितनी है। किसी भी स्टेशन पे आप जाओगे तो वहां आपको बोर्ड पर एक चीज दिखेगी कि समुन्दर तल से ऊंचाई कितनी है, तो हाइट को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, हाइट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एल्टीमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड इसी से बना है, वेरी गुड बच्चे, एल्टीट्यूड इसी से बनता है, एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है समुन्दर तल से ऊंचाई, हाँ जी अबव सी लेवल जिसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो ये तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता था, तो मैं पहले ही कह रहा हूं बेटा आंसर हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस हैं, थर्मोमीटर किसको कहते हैं, एल्टीमीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर क्या काम में आता है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2020 बठिंडे लिखा है, अच्छा 2020 है, चलो ये तो अच्छी बात है भाई, हमें तो पहली बार पता लगा है, ठीक है। इतना ही होता है लगभग 3000 या कुछ ऐसा। गुरमीत बेटा हमारी तरफ से आवाज बिल्कुल सही है, आपके फोन में कुछ गड़बड़ हो चुकी होगी, ठीक है, फोन को थोड़ा सा 2-3 बार पटक के नीचे मारो, शायद आवाज आ जाए उसके अंदर से, है हमारी तरफ से बिल्कुल बेटा ठीक है, क्योंकि 360 लोग यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं, सिर्फ एक ही बच्चे को अगर आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, इशू आपकी तरफ से कोई है। अगर मेरी तरफ से इशू होता तो अभी तक यहाँ पे कमेंटों का ढेर लग चुका होता कि सर आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कोई इशू मुझे लगता नहीं है, मेरी तरफ से है। तो प्लीज अपने मोबाइल को थोड़ा सा चेक कीजिए, उसको आगे पीछे से पटक पटक कर देखिए 2-3 बार, शायद सही हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखिए द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। अब देखो यहां पे कह रहा है कि किसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना है, ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पता करना है, ठीक है, या उसकी प्री हिस्ट्री क्या थी, पहले का इतिहास उसका क्या था, और कैसे पता करना है, एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई, क्या होता है बेटा खुदाई। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने सभ्यता पढ़ी होंगी, सिविलाइजेशन पढ़ी होंगी, मोहनजोदाड़ो है ना, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, ये पढ़ी होंगी आपने, तो ये सारी सभ्यता पता कैसे चली, क्योंकि इनकी खुदाई हुई थी है ना, और खुदाई हुई तो पता लगता है कि नीचे से क्या निकला है ना, किसी ने खोदा तो वहां से निकला कि मिट्टी के बर्तन निकल गए, तो पता लगा ये लोग मिट्टी के बर्तन। मैं भी कई बार कहता होता हूँ कि क्लास में बेटा कई बार पढ़ रहे होते हैं लोग, तो जो स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं वो नोट करने पर ज्यादा ज्यादा ध्यान देते हैं, नोट बड़ा करते हैं, ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा नोट ज्यादा करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा नोट मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि यहाँ पे 2 मिनट के बाद कोई प्रलय आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, सारे लोग नीचे दब जाएंगे, और अगर दब भी गए तो फिर वो क्या करेंगे बाद में, फिर क्या होगा आपका, एक्सकेवेशन होगा, ठीक है, एक्सकेवेशन को जब होगा तो फिर आप मिलेंगे वहां पे नीचे, और आपके हाथ में इंग्लिश की नोटबुक मिलेगी, तो वो लोग आइडिया लगाएंगे कि यहाँ के जो ह्यूमन थे, यहाँ के जो ह्यूमन थे उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो पता लगाएंगे कि अच्छा ये बच्चे जो पढ़ रहे थे ये इंग्लिश पढ़ना जानते थे, ये टेंस की क्लास लगा रहे थे, इनका मास्टर इनको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। तो वो चीजें जो होती हैं जब खुदाई करके ह्यूमन की हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बारे में पता किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो एक बार, हाँ जी जल्दी से बता दो। मोनिका वर्मा कह रहे हैं मुझे भी बोला था, हाँ बेटा सबको बोलता हूं मैं, क्योंकि नोट नहीं करें, ज्यादा काम समझने का होता है, ठीक है। चलो जी लाइक शेयर कर दो बेटा, संख्या अभी भी कम है, अभी भी 30-40 लोग कम है, जल्दी से लाइक करो। तो देखो पहला वर्ड है हमारे पास आर्कियोलॉजी, तो बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आर्कियोलॉजी वर्ड आपने सुना होगा, ये आर्कियोलॉजी एक डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है,
है। अभिषेक कह रहा है कि सर आपको टेस्ट बैच में क्यों हो जाता है गुस्सा। बेटा टेस्ट बैच में गुस्सा जायज है ना। देखो टेस्ट बैच वो बैच होता है जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे को बहुत कुछ हमसे पहले से आता है। सिलेबस बैच में हमसे बच्चा जब इतने अच्छे से, देखो हम बच्चे को पढ़ाते हैं सिलेबस बैच में 3 महीने 3.5 महीने आप पे मेहनत की जाती है, और जब टेस्ट बैच में जाके बच्चा एक आसान से क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाता, उसको ये नहीं पता लगता कि बेटा कंडीशन के टाइप कितने होते हैं, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नरेशन का इसके अंदर टाइप कौन सा है, तो फिर गुस्सा तो लाजमी है ना। टेस्ट बैच वो बैच है जिसके अंदर आपको कम से कम डाउट पूछने होते हैं, कम से कम, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस बैच में क्लियर हो चुकी होती हैं। तो टेस्ट बैच में तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि यार आपको बहुत कुछ पहले से आता है, आपको तो सिर्फ फर्निश करना है, हमें तो पॉलिश मारनी है सिर्फ आपके ऊपर। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बेहोश होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि अब यार टेस्ट बैच में बैठे हैं, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो गुस्सा आना लाजमी है। सिलेबस बैच का बच्चा अगर गलती करता है तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, सिलेबस बैच में आया है पहली बार आया है, नहीं पढ़ा हुआ उसने, कोई बात नहीं, वहां एक्सेप्टेड है सारी चीजें, ठीक है ना, वहां सारी चीजें एक्सेप्टेड हैं। लेकिन टेस्ट बैच में ऐसी छोटी छोटी गलतियां एक्सेप्टेड नहीं होती बेटा, ठीक है। हाँ तो बेटा आर्कियोलॉजी समझ आ गया, लोजी। हाँ किसी ने बताया कि सर लोजी आपने पढ़ाया हुआ है कि जहां भी लोजी वर्ड आता है तो इसका मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? आर्कियोलॉजी मतलब जो ह्यूमंस है उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, एंड द वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब देखो जहां भी एंथ्रो वर्ड लगता है, जहां भी एंथ्रो वर्ड लगता है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड की। किसकी बात कर रहे हैं? मैनकाइंड की। अगर हम मैनकाइंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जियोलॉजी, जैसे आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें होती है स्टडी किस चीज की? स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ, ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब जियो वाली सिम नहीं होता बेटा, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। और लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी हो गया। तो जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो उसे हम जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, एंथ्रो वर्ड बेटा याद रखना, एंथ्रो वर्ड को याद रखना, मैनकाइंड के लिए यूज किया जाता है, लॉजी का मतलब स्टडी होती है, ठीक है। यहां पे एक वर्ड आता है सीफोलॉजी, किसी को पता है बेटा सीफोलॉजी का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर किसी भी बच्चे को पता है कि सीफोलॉजी का मतलब क्या होता है, रमन ने बता दिया, रमन तैयार है, रमन पूरा शिकारी है, इसको पता है कि सर यही पूछेंगे। लाइक वाला बटन दबा दो बेटा जल्दी से, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दो फटाफट से, शेयर भी कर दीजिए, संख्या थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, इतना काम तो कर दिया करो यार तुम लोग, ठीक है। तो जियोलॉजी पता लग गया, सीफोलॉजी क्या होता है? सीफोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इलेक्शन। क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन की जो स्टडी होती है, चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव के बारे में हर चीजें, इलेक्शन के बारे में हर चीज की स्टडी करना इट्स कॉल्ड सीफोलॉजी। तो यहाँ पे सीफोलॉजी इलेक्शन से रिलेटेड है, आपका आर्कियोलॉजी जो ह्यूमन की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, ठीक है। जियोलॉजी आपका अर्थ से रिलेटेड है, और एंथ्रोपोलॉजी आपका मैनकाइंड से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे मीनिंग आपको मैंने बता दिए हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आना था वो आना था ऑप्शन नंबर ए। और आज का परसेंटेज तो भाई बड़ा शानदार धांसू चल रहा है, 76% बच्चों का आंसर सही है, क्या बात है भाई। आज तो सारे पूरे फॉर्म के अंदर आए हैं कि सर कल बहुत बेइज्जती कर दी आपने हमारी, कल के क्वेश्चन भी हमारे बहुत गलत हो गए थे, तो आज पूरे सारे के सारे बच्चे जो है वो पूरी फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म अपनी बनाए रखना, लास्ट तक सारे क्वेश्चन के आंसर आपने सही देने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना बच्चे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, क्योंकि यहीं से आपके पंजाब स्टेट के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, कर लोगे, तो आपके पंजाब स्टेट के क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे बेटा जल्दी, ठीक है। आपको जो ग्रामर पढ़ाई जाती है इसका टेस्ट भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज। एक पर्सन ऐसा जो सिर्फ 2 लैंग्वेज बोल सकता है, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से सारे बच्चे आंसर करने का काम कीजिए। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, जल्दी से आंसर कीजिए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा। जिन बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, आरती जी आप डेली ही लेट आती हैं बेटा, क्या बात है, काहे परेशान हो रहे हो इतना है। आरती जी क्लास का टाइम 8 बजे, बेटा 8 बजे आ जाया करो, ठीक है।
जल्दी से आंसर कीजिए सारे बच्चे, ये तो आता होगा यार सबको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, झड़ी लग जानी चाहिए इसमें तो राइट आंसर की, और परसेंटेज तो इस बार 80 क्रॉस हो जाना चाहिए। जल्दी से कीजिए क्या आंसर आएगा। एक ऐसा बंदा जिसे दो लैंग्वेज बोलनी आती है, दो लैंग्वेज बोलनी आती है, ठीक है, जैसे आपको हिंदी बोलनी आती है, हिंदी के साथ आपको पंजाबी बोलनी आती है, तो दो लैंग्वेज जिसको बोलनी आती है उसे क्या कहते हैं, है ना। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट से। वेरी गुड, हाँ जी। तो पहले चलिए इन वर्ड्स के अंदर एक बात देखिए, इन वर्ड्स के अंदर एक सिमिलर चीज आपको क्या नजर आ रही है, सिमिलर चीज आपको ये नजर आ रही है कि जहां भी बेटा ये वाला रूट वर्ड आपको मिलेगा लिंगवा, क्या मिलेगा लिंगवा, तो लिंगवा इज द रूट वर्ड जिसका मतलब होता है लैंग्वेज, क्या होता है बेटा, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज यानी कि भाषा, ठीक है। लिंगुआ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है भाषा। तो देखिए यहां भी लिंगुआ है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, मतलब ये सारे के सारे जो वर्ड है इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ये सारे के सारे वर्ड ही लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अब इन सारे वर्ड्स के फटाफट से मीनिंग देख लेते हैं। तो पहला लिखा है मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, जिस बंदे को सिर्फ ओनली कितनी भाषाएं बोलनी आती है, वन, ठीक है, सिर्फ एक ही भाषा बोल सकता है, दैट इज मोनोलिंगुअल। मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, जिसको बोलनी आती है ज्यादा लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज, हु कैन स्पीक, उसे बोलते हैं मल्टी लिंगुअल। बाय का मतलब होता है दो, तो जिसे दो भाषा बोलनी आती है उसे कहते हैं बाय लिंगुअल। एंड लिंग्विस्टिक, अ पर्सन हु हैज नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, हु हैज नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, जिसको लैंग्वेज की नॉलेज है, ठीक है, जिसको भाषा का ज्ञान है उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। क्या कहते हैं बच्चे, लिंग्विस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके सारे के सारे मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, मोनोलिंग्विल एक भाषा बोलने वाला, मल्टीलिंग्विल ज्यादा भाषा बोलने वाला, बाईलिंग्विल दो भाषा बोलने वाला, हाँ पोली का मतलब भी ज्यादा होता है, पोलीग्लॉट वर्ड होता है बेटा इसके लिए, इसके लिए एक वर्ड होता है पोलीग्लॉट, इसका मीनिंग भी सेम होता है। क्या होता है इसका मतलब, जो ज्यादा भाषा बोल सकता है, ठीक है, जो ज्यादा भाषा बोल सकता है उसको हम पॉलीग्लॉट भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, हाँ जी, जिसको एक ही भाषा आती है वो मोनो होता है बेटा, ये तो बताया मैंने, हाँ, जो लैंग्वेज की नॉलेज रखता है, जो लैंग्वेज में एक्सपर्ट है उसे लिंग्विस्ट कहते हैं, ठीक है, हु हैज नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बच्चे अपना स्कोर बता रहे हैं, आज तो भाई स्कोर सबका बढ़िया है, आज तो सबका बढ़िया स्कोर है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी कितने बच्चों ने दिया है, 78% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। तो आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है एक बार, कि आज का जो आपका स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपका स्कोर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक बच्चा लिख रहा है कि यू आर इंग्लिश लिंग्विस्ट, हाँ ठीक है, इतनी भाषा नहीं आती बेटा हमें, हम तो कुछ थोड़ा बहुत सिखाने का काम करते हैं आपको, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो होता है वो देखो कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो चीजें आती हैं उसको सिखाते हैं आपको, ठीक है। और आज का स्कोर तो भाई बहुत शानदार है, किसी के 5 में से 5 है, किसी के 5 में से 4 है, और लगभग लगभग सारे के सारे बच्चे 5 में से 5 और 4 वाले हैं, तो बहुत बढ़िया बेटा। इसी तरीके से देखो, अगर आप मेहनत करते रहोगे, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, और उन बच्चों को मैं 100% कह सकता हूँ कि उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा, जो बच्चे बहुत पहले से इस सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, मतलब जो लगातार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं एक बार चाहूंगा यार, मुझे बताओ, जो बच्चे शुरू से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चों के तो नाम मैं जानता हूँ, जैसे अमरजीत कोर है, जानी है, सरोज है, बलजीत है, बलजीत इंसा नाम की एक लड़की है, देखो मेरे को आपके नाम भी याद है, क्यों, क्योंकि ये बच्चे डेली क्लास में आते हैं, रमन अबोहर है, ये डेली बच्चा क्लास में आता है, सरोज इंसा है, ठीक है, सुखविंदर है, ये बहुत सारे बच्चे हैं, नसीब सिद्धू है। तो बेटा एक बार जल्दी से बताओ मुझे कि आपको क्लास का फायदा हो रहा है कि नहीं हुआ, कि पहले के दिन जब आप वोकैब पढ़ते थे और आज जो ये हमारा 93 सेशन है, तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर सर इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं है, ये जल्दी से बताओ, एक बार बताओ जल्दी से, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आई है, आपको कुछ फायदा हो रहा है इस सेशन से। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपके नाम सबके तो मैं नहीं बता सकता, राजन सोनी भी बहुत टाइम से क्लास लगा रहे हैं, ठीक है,
हाँ जी, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास लगाते हैं जो शुरू से बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि 300 से 350 400 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, बीच बीच में कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भटक जाते हैं रस्ते से, वो सोचते हैं चलो क्या वो कैब पढ़नी, बहुत वो कैब पढ़ ली है अब तो, है ना। लेकिन देखो डेली कंटिन्यू बने रहने से आपको फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होती हैं। अब जब मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा था, ठीक है, जब मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा था तो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता था कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, तो ये फायदा होता है, ठीक है। एक दिन आपको शुरू शुरू में ये लगेगा यार इतनी वोकैब कौन याद करेगा, कैसे याद करेंगे इतनी सारी वोकैब को, वोकैब का कोई अंत तो है नहीं। हाँ बिल्कुल बेटा, कोई अंत नहीं है, ठीक है, आपकी वोकैब का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो वाली वोकैब कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको सेलेक्टेड वोकैब करवाता हूं, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा कि बेटा ये सारे पढ़ लो जी, नहीं, हम वो पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले आप सभी को पता है 21 नवंबर से हमारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है और इस बैच के अंदर इनरोलमेंट अभी भी स्टार्ट है, आप ले सकते हैं। कूपन कोड आपको मेरा सभी को पता है बेटा, कूपन कोड लगाया करो, देखो आपका ही फायदा है इसके अंदर, आपका ही फायदा है। रोहित 300 आप कूपन कोड यूज कीजिए। जो बच्चा भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है बेटा, एरोडा क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है आपने, उसके बाद आपने स्टोर बटन पे क्लिक करना है, अपना फेवरेट। सर मैं 80 वीडियो से स्टार्ट की थी, चलो 80 से भी बेटा देखो 13 वीडियो आप लगा चुके हो, ठीक है, थैंक यू बेटा रमन। हाँ जी हाँ रोहित, 700 नहीं लगाना बेटा, इतना डिस्काउंट नहीं देंगे हम, ठीक है, तो ये कूपन कोड यूज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गाइड द कोर्स ऑफ अ स्लीप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स, ठीक है। ये स्लीप नहीं है बेटा, इसको सही कर लेना, ये शिप है, ये शिप है, ठीक है। आपका जो शिप होता है पानी का जहाज जो होता है, ठीक है, उसको गाइड करने के लिए एक मैप या इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसको गाइड किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। गोपाल कह रहे हैं कि सर आप पीएस टेट बैच में नहीं पढ़ाते हैं, मुझे आपसे इंग्लिश पढ़नी थी, मुझे न्यू बैच लेना था। हाँ बेटा, पीएस टेट का या जो ईटीटी का बैच जो अब आएगा उसमें शायद मेरी क्लास हो, और उसके बैच जो है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, ईटीटी और पीएस टेट के जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो वहां भी ये कूपन कोड लगेगा, याद रखना बेटा। ईटीटी पीएस टेट का बैच भी अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें भी कूपन कोड लगेगा, ठीक है, आप वहां भी यूज कर सकते हो इसको, और हो सकता है उसमें क्लास इंग्लिश की मेरी हो शायद, देखते हैं अभी शेड्यूल क्या बनता है उसका, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इसने कि जो शिप होती है उसको गाइड करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए एक मीटर लगा होता है। तो जैसे आजकल तो सबके मोबाइल में है ये, आजकल तो सबके मोबाइल में है ये, आप कहीं भी जाते हैं किसी नई लोकेशन पे जाते हैं तो आप झट से अपना मोबाइल खोलते हैं और उसके अंदर लगा लेते हैं गूगल मैप, लगा लेते हैं बेटा। तो वो गूगल मैप किस तरीके से काम करता है, तो वो क्या तरीका होता है, उसे कहते हैं नेविगेशन। क्या कहते हैं उसे, नेविगेशन। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो जैसे आप नेविगेशन से अपना रास्ता ढूंढते हैं, उसी रास्ते को ढूंढने के लिए शिप के अंदर भी क्या लगे होते हैं, नेविगेट सिस्टम लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, डायरेक्शन का पता लगता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। कई बार आपके दिमाग में आता होगा ना कि भाई इतना पानी पानी है, उनको रास्ता कैसे पता लगता है कि कहां जाना है, ठीक है, कैसे पता लगता है। जैसे हम मान लो सड़कें हैं, सड़क तो चलो आपने को पता है कि सड़क यहां जा रही है, किसी के घर तो जाएगी नहीं, है ना, किसी के घर तो जाएगी नहीं, तो आपको पता है ये सड़क ऐसे जाएगी, रास्ता ये है, लेकिन वो पानी पानी है, वहां तो कोई सड़क तो है नहीं, तो आपने कभी सोचा है कि वो पानी के अंदर कैसे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं कि किस तरफ जाना है, ठीक है। तो वो अपना रास्ता ढूंढते हैं नेविगेशन सिस्टम से, तो नेविगेशन सिस्टम जो होती है हाँ उसी से वो पता लगाते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो भाई साहब क्या बात है भाई, आज तो सारे रंग में है, पूरे के पूरे शिकारी सारे के सारे रंग में है, 80% स्टूडेंट का आंसर ये सही है। चलिए बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। सेल का मतलब होता है जाना, पानी जब जहाज जब पानी में चलता है तो उसे सेल कहते हैं, ठीक है, हाँ जी। और ट्रैवल का मतलब यात्रा होता है, लेकिन ये जो वर्ड है ना एंकर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में देखो मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये पानी का जहाज है, ठीक है, ये पानी का जहाज है हमारा,
ठीक है भाई, ऐसा बना देते हैं। अब मान लो ये पानी है यहाँ पे, ये इसका नदी का किनारा आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां से एक रस्सी ले जाकर या एक लोहे की जंजीर होती है, और यहाँ पे एक क्या कर दिया जाता है, एक पोल गाड़कर इसको इससे बांध दिया जाता है कि भाई अब आपको कहीं नहीं जाना है, अब पानी का जहाज यहाँ रुकने वाला है। तो ये जो बांधने का ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये बांधा जाता है, ठीक है, इसको एंकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंकर कहते हैं। पोपाई द सेलरमैन किसको याद आ रहा है भाई? ठीक है, तो एंकर इसको कहते हैं जिससे उसको बांधा जाता है। ठीक है बच्चे, आ सारे होश में हैं, चलिए बढ़िया बात है, होश में है तो सही, लेकिन लाइक वाला बटन क्यों नहीं दबा रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फटाफट से बेटा एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक जितने आप हो उससे 100-150 लाइक कम है, उससे 100-150 लाइक कम है। तो जल्दी से एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए। सर ETT के लिए ओनली इंग्लिश बैच मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है मनदीप कौर जी, आप ऐसा कीजिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 8822010101, ठीक है, इस पर आप कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि मुझे ATT के लिए स्पेशल इंग्लिश का बैच लेना है, तो आपको बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट का बैच पर्सनली मतलब अलग से ले सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी मिल जाएगी आपको, ओनली इंग्लिश मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, ये तो यार इतना आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सारे बता दोगे, सारे बता दोगे, जल्दी से आंसर कीजिए। ये तो क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं हम, ठीक है, ये तो बहुत बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर बता दीजिए। आ रिमेडी फॉर ऑल डिजीज क्या होगा? हाँ, वो एंकर दूसरा होता है बेटा, जो स्टेज को होस्ट करता है वो एंकर दूसरा होता है, ठीक है। हाँ, वो भी एंकर की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन वो एंकर का काम दूसरा होता है, ठीक है। बेटा गोपाल, आपका जो डाउट है ना, अभी आपने जो मैसेज किया मैं पढ़ नहीं पाया पूरा, तो आप क्लास खत्म होने के बाद में मैसेज डाल देना कमेंट बॉक्स के अंदर, आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जो भी चीज पूछना चाहते हैं वो मैं लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपसे या तो पूछ लूंगा, या फिर आप मैसेज डाल देना। आप डेली मैसेज करते हो, मैंने देखा है आपका, जो सुबह मेरा 21 नवंबर के अंदर इंग्लिश का जो क्लास चल रही है यूट्यूब पर, गोपाल जो बच्चा है वो डेली मैसेज करता है, कमेंट करता है, ठीक है। तो मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है आप सोचते हो कि सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। रात को जब मैं फ्री हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं सबके कमेंट देखता हूँ, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, कोई गालियां तो नहीं निकाल रहा, कमेंट अच्छे गाल नहीं कटनी, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा बच्चा ना हो कि गालियां निकाले, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ाई सबकी ठीक ठाक चल रही है। हमारी क्लासेस के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ बच्चे अगर सजेशन देते हैं तो वो इंप्रूवमेंट भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए सारे बच्चे कमेंट जरूर किया करो, आपकी जो भी क्वेरीज होगी अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, हाँ, कहता ट्रामाडोल जो होता है वो सारी बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा पेनेशिया। क्या आएगा? पेनेशिया। पेनेशिया वर्ड देखो बनता कैसे है, इसमें एक रूट वर्ड है पेन, जहां भी पेन ये रूट वर्ड आता है इसका मतलब होता है ऑल। क्या होता है? ऑल होता है। और एक क्या होता है? ACHE, एक का मतलब होता है दर्द। तो जो सभी का दर्द खत्म कर दे ऐसी दवाई को, ऐसी रिमेडी को क्या कहा जाता है? पेनिशिया कहा जाता है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? जब आप कोई नई चीज बनाते हो तो आप उसे क्या करते हो, उसका लाइसेंस ले लेते हो कि भाई इस पे मेरा अधिकार है, ठीक है, इसको मैंने बनाया है, तो उसको पेटेंट कहते हैं। पेटेंट एक तरह का कानून है, एक तरह का लॉ है, ठीक है, इसको पेटेंट कहते हैं। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता था। एंटीडोट वो होता है जो दवाई किसका इलाज करती है, जहर का इलाज करती है, पॉइजन, ठीक है। जो जहर का इलाज करती है उसे क्या कहते हैं? उसे एंटीडॉट कहते हैं। और एंटीबायोटिक तो आपने भाई खाते हो, आपको सर्दी जुखाम जब हो जाता है तो मेडिसिन में आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है बच्चे। अगर बेटा यहां आके क्लास लगाना चाहते हो तो शायद, हाँ, कॉपीराइट कह सकते हैं इसे, 3000 है इंग्लिश की फीस, ठीक है। यहाँ आके अगर क्लास लगाना चाहते हो तो 3000 इंग्लिश की फीस है, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन तो फिर सस्ती है, ठीक है। चलिए जी, अब बलविंदर कौर किन्नू बुगियां करी जानी है कुड़िए। चलो, तो पॉइजन क्या होता है? जहर होता है। जहर का इलाज करना होता है एंटीडोट, ठीक है। पेटेंट आपको बता ही दिया, कॉपीराइट जिसको आप कह सकते हैं, अपना एक तरह का कानून है ये, ठीक है।
लाइक लाइक करो क्लास नो जिसने नहीं किया। हाँ कर दो बेटा लाइक तो कर दो यार, अब तो बच्चे भी कह रहे हैं लाइक कर दो तो कर दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर एट का फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता। हर्ड का मतलब होता है किसी चीज को सुनना, लेकिन वो कह रहा है जिसको सुना नहीं जा सकता। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हाँ जी फटाफट से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन का, सारे बच्चे खुश हो गए बुगियों के नाम पे हैं। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर आएगा। इन ऑडिबल आएगा, इनविजिबल आएगा, इनकॉरिजिबल आएगा या इनक्रेडिबल आएगा। तो ये वर्ड भी मैंने आपको सारे बता रखे हैं, इसमें भी गलती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी फटाफट आंसर कीजिए सारे बच्चे। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। शेयर कर दीजिए क्लास को। गलती से टाइप हो गया कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो देखो ऑडियो, ऑडियो वर्ड सुना है, ऑडियो ऑडियो का मतलब ही होता है किसी चीज को सुनना, लेकिन इनके साथ हमने इन लगा दिया तो क्या बन गया, इन ऑडिबल। तो इन ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना नहीं जा सकता। ठीक है, इन विजिबल, विजिबल का मतलब जो दिखता है, इन लगाने से नेगेटिव बन गया, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। इन कॉरिजिबल, कॉरिजिबल यहां पे मतलब है करेक्शन, ये करेक्ट की स्पेलिंग है करेक्शन, लेकिन जिसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। जिसके अंदर करेक्शन नहीं की जा सकती उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। और इनक्रेडिबल कल ही बताया था, चलो एक बात का काम करो फटाफट से मुझे बताइए कि कल मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया था क्रेड, एक रूट वर्ड बताया था क्रेड, इसका मीनिंग क्या बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए मुझे फटाफट से। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि क्रेड जो था इसका रूट वर्ड क्या था, जल्दी बता दो बेटा एक बार। हाँ बहुत, अरे क्या बात है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो 93% बच्चों ने सही दिया है, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस बार तो आपने। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया शानदार। इसके लिए तो आतिशबाजी पटाखे बजने चाहिए, ढोल मंगवा लो घर के बाहर, लगवा लो ढोल वाले को कि इस बार तो 93% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। क्रेड का मतलब क्या बताया था, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसका मतलब सारे बच्चे आज पूरे होशो हवास के अंदर है, सबका ध्यान आज पूरा 100% क्लास में है, कहीं भी कोई हाँ चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल बच्चे, क्रेड का मतलब होता है किसी चीज पर क्या करना, ट्रस्ट करना, ट्रस्ट करना, बिलीव करना। ठीक है, और मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें क्रेडिट का मतलब यही होता है कि उधार बंदा आपको तभी देगा जब आप पर विश्वास होगा। ठीक है, ऐसे तो आप किसी को उधार नहीं देते ना, उधार उसी को दिया जाता है जिस पर क्या होता है, विश्वास होता है। तो क्रेड का मतलब होता है ट्रस्ट, बिलीफ होता है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बेटा। सॉन्ग सुना दें, कौन सा सॉन्ग सुनोगे बताओ, आज तो कोई सॉन्ग याद ही नहीं आ रहा मुझे है, आप ही बता दो कौन सा सुनना है। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, एक ऐसा बंदा जिसकी हॉबी है क्या करना, स्टैम्प कलेक्ट करना। वो जहां भी जाता है वहां के स्टैम्प इकट्ठे कर लेता है। ठीक है, वो जहां भी जाता है वहां के स्टैम्प इकट्ठे कर लेता है। तो जल्दी से बताइए उस बंदे को क्या कहेंगे, फोनोलॉजिस्ट कहेंगे या उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे या फिर उसे फिलाटेलिस्ट कहेंगे या फिर उसे पेन ग्रिस्ट कहेंगे। जल्दी से बताइए क्या कहेंगे उस बच्चे को, जल्दी से बता दो फटाफट से सारे बच्चे, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से। और जो वर्ड आपको नहीं आता है वो बता देंगे बेटा, आपको टेंशन ना लो, आप अपना आंसर कीजिए, आप अपना अपना आंसर कीजिए सारे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, करो करो बेटा आंसर करो सारे बच्चे। शेयर कर दीजिए क्लास को, और संख्या बढ़ा सकते हैं अपने। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ा दो, और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दो जल्दी से। आंसर यहाँ पे आ चुका है सबका, और इस बार मुझे लगता है कुछ बच्चे भटक चुके हैं, थोड़ा सा परसेंटेज हमारा कम हुआ है पहले क्वेश्चन के मुकाबले, वैसे ठीक है लेकिन कुछ कम हुआ है। ठीक है,
तो चलिए आपको बताते हैं, वर्ड है पहला देखो फोनोलॉजिस्ट। आपको मैंने बहुत बार ये चीज बता रखी है कि बेटा जो फोन वर्ड होता है ना, फोन जो फोन वर्ड होता है, इसका संबंध, इसका रिलेशन किससे होता है? साउंड से होता है। किससे होता है? साउंड से। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, तो साउंड की स्टडी जो होती है उसको फोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फोनोलॉजिस्ट तो हमारा आंसर होने वाला है नहीं, ठीक है? फोनोलॉजिस्ट तो हमारा आंसर होने वाला है नहीं, ठीक है? उसके बाद बात करें फिलेंथ्रोपिस्ट की। बेटा इसमें तीन वर्ड हैं, ध्यान रखना, मैं आपको सिखाता हूं वर्ड को तोड़ते कैसे हैं। देखो इसमें पहला वर्ड है फाइल, दूसरा वर्ड है एंथ्रो, और तीसरा वर्ड है IST। तो देखो फाइल का मतलब क्या होता है? लव, ठीक है? एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और IST जो वर्ड होता है ये किसी पर्सन के लिए आता है, जहां भी IST लगा होता है किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में, इसका मतलब वो पर्सन की बात कर रहा है, किसी इंसान की बात कर रहा है। जैसे आपने बोला डेंटिस्ट, क्या बोला आपने? डेंटिस्ट, क्या आ गया लास्ट में? IST। तो जो दांतों का इलाज करता है वो क्या होता है? डेंटिस्ट होता है, ठीक है? इसी तरीके से वर्ड आ गया जी फिलेंथ्रोपिस्ट, तो ऐसा बंदा जो लव करता है किसको? मैनकाइंड को, उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है? तीन रूट वर्ड इसके अंदर काम कर रहे हैं। IST का मतलब बंदा होता है, फाइल का मतलब लव होता है, और तीसरा वर्ड इसमें है जी एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ठीक है बच्चों? अब इसके अंदर एक वर्ड है, ये लिखा है पेन गैरिस्ट। अब देखो इसमें भी IST आ रहा है, इसमें भी IST आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी पर्सन है, और ये पर्सन वो होता है जो किसी की क्या करता है? तारीफ करता है, ठीक है? जो किसी की प्रशंसा करता है, प्रशंसा करने वाला, एडमायरर कहते हैं इसे बच्चे। क्या कहते हैं? एडमायरर कहते हैं, जो आपको कहता है, क्या कहता है? बड़ी खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, है? जो आपकी तारीफ करता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एडमायरर कहते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे? और उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास फिलाटेलिस्ट, और फिलाटेलिस्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कि अ पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, तो उसे हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, ठीक है बच्चे? फिलाटेलिस्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ आ गया बेटा? अरे याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं शिकारियों? जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से। चलिए जी, क्या बात है, हंसते राग रो ऐसे, आप क्लास में ना ऐसे हंसते राग रो बस, हाँ खुश राग रो सारे बच्चे। तो इस बार थोड़ा सा परसेंटेज हमारा कम हुआ है, 62% स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये भी अच्छा परसेंटेज है, लेकिन इस परसेंटेज को और भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। हाँ जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ज्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, एक ऐसा बंदा जो किसी म्यूजियम का या किसी आर्ट गैलरी के चार्ज को संभालता है, उसकी केयर करता है, उसे क्या कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। चलिए बेटा जल्दी से बताइए, वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी, जिसके पास किसी म्यूजियम का या किसी आर्ट गैलरी का क्या होता है? चार्ज होता है, तो उसे बेटा कलेक्टर तो कहेंगे नहीं, कलेक्टर तो आपका एक डीसी जिसको आप बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और दूसरा कलेक्टर का मतलब होता है जो किसी चीज को इकट्ठा करता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। इंस्ट्रक्टर वो होता है जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ये भी नहीं होगा। मॉनिटर आपकी क्लास में या तो आप होगे या कोई होगी, है ना, या आपकी क्लास में कोई मॉनिटर होगी, तो मॉनिटर के बारे में सारे जानते हैं। एक हमारे PC को भी मॉनिटर होता है, ठीक है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी हमारे मॉनिटर होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। अरे बाग भाई बाग, क्या बात है, आज तो भाई आपके लिए क्लैपिंग आज बनती है। 84% स्टूडेंट का आंसर सही है, इसका राइट आंसर आएगा क्यूरेटर। राइट आंसर आएगा जी इसका क्यूरेटर। इसको याद रखना है तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो क्यूरेटर को याद रख सकते हो केयर से, जो केयर करता है वो कौन होता है, क्यूरेटर होता है, ठीक है। जो क्यूरेटर होता है वो कौन होता है, जो केयर करता है। क्या बात है बच्चे, बहुत ही बढ़िया शानदार। तो फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए, वेरी गुड। प्रियंका के 9 आए हैं और लखवीर सिद्धू के 10 के 10 आए हैं, बहुत बढ़िया। करण कौन है, कमलजीत कौर के 10 आए हैं, मनीष बांसल के 10 आए हैं, रियासत 10, शेफाली 9, राजन 10, बहुत बढ़िया बेटा। सॉन्ग सुना दो, सॉन्ग सुना दो, सुना तो दिया बेटा अभी। अज खोल दे दिला दी गल सारी, खोल दे दिला दी गल सारी, वे कुछ भी लुकोई ना, ए जिंदगी नी आनी वारी वारी, उदास एवें होई ना। वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया स्कोर है बेटा आपका आज। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसको बिचौलिया कह देते हैं, क्या कहते हैं, बिचौलिया, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। करो करो बेटा आंसर करो, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, दो लोगों के बीच पर डिस्प्यूट जो होता है उसको सोल्व कराने का काम करता है, उसे क्या कहेंगे। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करके बताइए, फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दो बेटा, अब तो दबा दो, गाना भी सुना दिया अब तो आपको, है आपको एंटरटेनमेंट भी करना पड़ता है, देखो पढ़ाने के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी कर देते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कर दो बेटा फटाफट से। सारे बच्चे शेयर कर दो क्लास को, लाइक वाला बटन दबा दो जल्दी से। हाँ डिमांडे आपकी बहुत खतरनाक वाली हैं, एक तो कह रहा है भंगड़ा करके दिखा दो, काहे करते हैं, डीसी लगे हो तुम। चलिए तो ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, तो देखो बेटा वैल्यूअर नहीं कहते, वैल्यू जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपकी वैल्यू जानता है। ब्रोकर आप सभी जानते हैं, जब आपने कोई घर लिया होगा, कोई प्लॉट लिया होगा, तो ब्रोकर काम करता है उसके बीच में, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है ऑडिटर, ऑडिटर क्या काम करता है, ऑडिटर तो बेटा आपके जो अकाउंटेंट होते हैं उनके ऊपर एक ऑडिटर होता है, ठीक है। हाँ जो ऑडिट करवाता है, इसकी पोस्ट भी निकलती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया कवलजीत कौर, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चे, इसका राइट आंसर आएगा आर्बिट्रेटर। क्या आएगा इसका राइट आंसर, आर्बिट्रेटर, ठीक है। चलिए जी तो राइट आंसर इसका आ जाएगा आर्बिट्रेटर, थैंक यू कुलदीप कौर जी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। तो यहां भी अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, आज तो सच में दिल से आपकी तारीफ करने का मन कर रहा है। 82% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, क्या बात है भाई, आज क्या क्या ऐसा खास क्या है ये बता दो आज मुझे, है। सुधीर सर को नहीं कहते हैं गाने के लिए, अच्छा सर आप मैडम को भी ऐसे ही सॉन्ग सुनाते हो क्या। हाँ बेटा मैं घर पे ऐसे ही गाता रहता हूँ, मेरी आदत है गाने की, इसलिए मैं क्लास में भी गाता हूँ। जब गाता हूँ इसका मतलब मैं खुश हूँ, है ना। मैं गाता तभी हूँ जब मैं खुश होता हूँ, मैं ऐसे नहीं गाता कि आप मुझे कहते हो सर गाना सुना दो, इसलिए गाता नहीं हूँ मैं। जब मेरे दिल से आवाज आती है फिर गाना निकल जाता है अपने आप, फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ठीक है। तो जब मैं गा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा मूड अच्छा है, और घर पे भी मूड अच्छा ही होता है ना, घर वाली कूटती नहीं है मेरी, तो घर पे मूड अच्छा ही होता है, तो घर पे भी गाते रहते हैं, चलता रहता है ऐसा। तो थोड़ा बहुत बाथरूम सिंगर हैं हम, थोड़े से गा लेते हैं गाने गुने, ठीक है। ठीक है जी, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, जल्दी से आंसर कीजिए बेटा, फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से। अ फैमिली ऑफ थैंक यू बेटा आरती, थैंक यू। ऑफलाइन नहीं सुनाते, नहीं बेटा ऑफलाइन थोड़ा सा मुझे शर्म आ जाती है, मैं थोड़ा सा शर्मीला शाई टाइप का पर्सन हूँ, आप जानते हैं ना, जानते हो ना सारे, मैं थोड़ा सा शाई टाइप का पर्सन हूँ। चलिए
जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, ठीक है, सुनाएंगे बेटा, ऑफलाइन वालों को भी सुनाएंगे, जल्दी सुनाएंगे। क्या पीजी वाली आंटी ने हलवा दिया है इसलिए क्वेश्चन सही हो रहे हैं? हाँ, पीजी वाली आंटी को दे दो सारा क्रेडिट तुम। क्या क्वेश्चन के आंसर सही इसलिए हो रहे हैं? पीजी वाली आंटी ने हलवा दिया है, क्या बात है बेटा। नेस्ट तो होगा नहीं, नेस्ट तो रहने के लिए जगह होती है, उसको नेस्ट कहा जाता है, तो नेस्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लच, आपकी बाइक में क्लच होता है, कार में भी क्लच होता है, गाड़ी में भी होता है, तो ये वही वाला क्लच है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, जैसे आप किसकी संतान हो, आप अपने माता पिता की संतान हो, ठीक है, आपके माता पिता आपके दादा दादी की संतान है, आपके दादा दादी उनके पिता की संतान है, ठीक है, तो किसी ना किसी की संतान है, तो वो संतान को क्या कहते हैं, उसे हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से इसका कोई भी राइट आंसर नहीं था, इसका राइट आंसर आएगा ब्रूड। ठीक है, ब्रीड वर्ड सुने, ब्रीड नस्ल जिसको कहते हैं, ब्रीड, ठीक है, उसी से बना है आपका ये ब्रूड। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों ने किया है बिल्कुल ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन है, देखो आपको थोड़ा सा किचन में घुमा के लाते हैं, आ जाओ, आप किचन में गए होंगे लेकिन आपको किचन के बर्तनों के बारे में नहीं पता होगा, चलो उनके बारे में थोड़ा सा आज बता देते हैं। अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, कहता है एक लार्ज बड़ा सा डीप होना चाहिए, ये मेटल का एक पॉट होता है जिसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है ओपन फायर के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सर की तरफ से सबको मोमोज फ्री 2 दिसंबर को, अरे क्या बात है। हाँ, मेरी तरफ से बेटा सबको मोमोज फ्री है, और जितना भी बिल बनेगा वो मनीष अरोड़ा जी पे कर देंगे। ठीक है, सबको मोमोज पार्टी है, पार्टी मेरी तरफ से है, और जो बिल बनेगा वो सारा का सारा मनीष अरोड़ा जी पे कर देंगे। गिदड़बा पहुंच जाना सारे, ठीक है, बिल मनीष अरोड़ा जी कर देंगे पे। सर मैम का नाम आरती है, हाँ बेटा बिल्कुल आरती है, और रोज उतारती भी है आरती हमारी, है आरती, पूजा, अर्चना। चलिए, अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। तो बेटा बैरल क्या होता है, सबको पता है बैरल, बैरल एक बॉक्स टाइप होता है ना, मतलब बैरल जिसको आप क्या कहते हैं, जिसमें आप ऑयल वगैरह आता है, ठीक है, बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, देखें आप सभी ने, तो बैरल तो कोई कुकिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, ये तो हटा ही दीजिए। उसके बाद आता है स्किलेट, किसी को पता है बेटा स्किलेट क्या होता है, आप किचन में गए होंगे सारे, क्या पता आपको स्किलेट क्या होता है, बताओ बेटा। जल्दी से बताओ स्किलेट पता है किसी को क्या होता है, जिसे आप फ्राई पिन कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्राई पिन, देखा आपने, जिसमें आप अपनी मैगी मूगी बनाते हैं। हाँ, एक कह रहा है कि बैरल को कहते हैं पीपा, हाँ वही बेटा वही, ठीक है। स्किलेट क्या होता है, फ्राई पिन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी मैगी मूगी बनाते हो जो 2 मिनट में बन जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, मेरे से तो आज तक कभी 2 मिनट में नहीं बनी, बन जाती है सर 2 मिनट में मैगी, है 2 मिनट में तो मुझे उसको ओपन करने में लग जाते हैं, लोग कहते हैं 2 मिनट में मैगी बन जाती है, ठीक है। एक वर्ड है कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन जो होता है, कैटल जो है, कैटल तो सबको पता होगा कैटल क्या होती है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर बच्चे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कॉल्ड्रॉन। ठीक है, कॉल्ड्रॉन क्या होता है, एक बड़ा सा बर्तन होता है इस टाइप का, ऐसे मान लो यहाँ पे नीचे फायर होती है, इसके ऊपर रख दिया जाता है, इसको देखा होगा आपने होटल वगैरह के अंदर भी लगा होता है, ठीक है, शादी वगैरह में भी ये यूज किया जाता है, तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या आएगा, कॉल्ड्रॉन आएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर देखिए क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। चलिए ये आंसर दीजिए, ये बहुत ही मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बेटा लाइक वाला बटन दबा दीजिए प्लीज, अब तो 450 लोग बैठे हो यार आप, आज तो बढ़िया संख्या हो चुकी है लास्ट तक जाते जाते, तो बेटा जितने भी क्लास में बच्चे अभी बैठे हैं सारे बच्चे बेटा 8 से 9 पूरा सेशन अटेंड कीजिए, पूरा सेशन अटेंड कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप में से कुछ बच्चे नए आए हैं, पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद डेली 8 से 9 ये लंगर चलता है हमारा वोकैब का, इस लंगर के अंदर बहुत कुछ मिलता है, हलवा पूरी सब कुछ मिलता है लंगर के अंदर, तो ये लंगर आपकी जिंदगी बना देगा। ठीक है, तो इस सेशन को सभी बच्चे जरूर अटेंड कीजिएगा। हाँ जी बताइए क्या ऑप्शन आएगा इसका,
एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजली गिवन एज प्रेजेंट। जब आप फ्लावर्स को इकट्ठा करते हैं, अरेंज करते हैं और किसी को प्रेजेंट के अंदर देते हैं, तो बताइए क्या कहेंगे इसको, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये तो सबको आता होगा यार, ये तो मुझे लगता है सब बता देंगे। फटाफट से बता दो एक बार सारे बच्चे, जल्दी से क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हाँ जी, अब देखो एक बात बताओ, ये सारे ही फ्लावर से रिलेटेड है, ये सारे के सारे वर्ड ही फ्लावर से रिलेटेड हैं। अब मेरे के पास अगर नेट चल रहा है सर, यहाँ पे चल रहा है नेट, अगर कुछ डाउनलोड करना हो जाएगा, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, बेटा एक मिनट रुकिए, चल रहा है, चलो एक बार बॉडी चला दो, मैं वैसे ही समझा देता हूँ इनको, टाइम हो गया क्योंकि अगली क्लास का भी। तो देखो बेटा गार्लैंड क्या होती है, गार्लैंड होता है हार, जैसे आपकी मान लो शादी हो जाएगी, है ना, हो ही जाएगी, मान क्या लो आपकी शादी जब होगी तो आप क्या करते हो, वरमाला पहनाते हो। वरमाला जो होती है वो भी किसकी बनी होती है, वो भी फूलों की तो बनी होती है, लेकिन वो एक अलग शेप के अंदर होती है, जिसको आप, जैसे कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट को आप माला पहनाते हो, फूलों की माला पहनाते हो, ठीक है। फ्री लंगर है बेटा, बिल्कुल फ्री लंगर है, पैसे तो हम लेते ही नहीं है, ठीक है, पैसे तो हम कहते हैं ले लो आप, हम 300 रुपए की छूट आपको दिलवा देते हैं इस क्लास के जरिए, पैसे लेते नहीं है हम, ठीक है। तो गार्लैंड हार होता है, जब आप माला पहनाते हैं किसी को तो उसे गार्लैंड कहते हैं। एक होता है बुके, बुके क्या होता है, बुके देखा है सभी ने, है ना, बुके देखा है सभी ने, तो बुके तो इसका आंसर होगा ही, बुके इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड है रैथ, रैथ पता है क्या होता है, रैथ भी फूलों की माला होती है, लेकिन वो ना ऐसे सर्किल बना होता है, इस सर्किल के अंदर ऐसे यहां पे फूल लगे होते हैं, आपने देखा कोई प्रिंस, कोई प्रिंसेस जो होती हैं, महारानियां जो होती हैं, उनके कई बार सिर पे पहना होता है, या कोई बंदा मर जाता है जब, जैसे कोई श्रद्धांजलि देने जाते हैं, जब आपने पीएम को देखा होगा बहुत बार, जब श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो वो जो माला होती है ना वो अलग टाइप की होती है, ठीक है, वो अलग टाइप की होती है, वो ऐसे गोल सर्किल के अंदर बनी होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जी रैथ कहते हैं, WRETH। एक रैथ ये वाला भी होता है, WRATH, इसका मतलब गुस्सा होता है, इसका मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। ये वाला रैथ अलग होता है, और बंडल किसी भी चीज का हो सकता है, बंडल फूलों का भी हो सकता है, बंडल बीड़ी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है बंडल, तो भाई ठीक है, तो बंडल तो आपको जानते हैं, बंडल बोलते वैसे बीड़ी ज्यादा याद आती है लोगों को, ठीक है। हाँ, जब किसी की डेथ हो जाती है, आपने देखा है ना, तो डेथ में भी यूज होता है, वैसे कोई क्राउन के तौर पे भी इसको पहन लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी भाई बहुत बढ़िया, 86% बच्चों ने दिया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी ने देके जाना है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ लार्ज डीप पॉट यूज बोथ इन द ओवन एज अ सर्विंग वेसल। कहते हैं कि एक ऐसा बर्तन जिसको आप सर्विंग में भी यूज कर लेते हैं, ओवन में भी यूज कर लेते हैं, दोनों जगह यूज कर लेते हैं, तो जल्दी से बताइए उस बर्तन को क्या कहते हैं, कैसे रोल कहते हैं, या कॉल्ड्रॉन कहते हैं, स्किलेट कहते हैं, या सॉस पैन कहते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी बता दो बेटा क्या आंसर आएगा। हाँ, दिसाई बीड़ी वाला बंडल, बिल्कुल वही वाला, सबको पता है, सब शिकारी हैं। करो करो बेटा आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से बता दीजिए एक बार, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करके ही जाना, बस एक मिनट के अंदर क्लास आपकी ऑफ कर देंगे। और बेटा क्लास जब खत्म होती है तो क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर बताना है आपने, क्लास आपकी कैसी चल रही है, सारे बच्चे कमेंट किया करो, 400 बच्चे होते हो क्लास के अंदर, कमेंट आते हैं सिर्फ 18, तो क्या बाकी बच्चे को रिव्यू देना नहीं चाहते हैं, सभी बच्चों ने आज रिव्यू देना है क्लास के नीचे, सबके कमेंट होने चाहिए, ठीक है ना, सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्लास के नीचे, आज 400 कमेंट तो होना चाहिए कम से कम, आज पहली क्लास ऐसी हो जिसके नीचे 400 कमेंट लगा हो नीचे, ठीक है, सब बच्चों ने एक एक कमेंट करना है, कोई भी कर देना, थैंक यू कर देना, कुछ भी कर देना, जो आपका मन करे, ठीक है, जो बात आप कहना चाहते हो, सारे बच्चों ने आज कमेंट करना है क्लास खत्म होने के बाद, ओके। तो कैश रोल इसका राइट आंसर आएगा, कैश रोल, जिसको आप, जिसमें आप रोटी रखते हैं, एक ऐसा मतलब एक बर्तन होता है, उसको आप ओवन में भी रख सकते हो और बाहर भी आप सर्विंग के अंदर भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा कैश रोल, ठीक है, कैसरोल आएगा, तो राइट आंसर आएगा कैसरोल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास, आज के हमारे 15 वन वर्ड की क्लास थी, कल आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, कल वन वर्ड नहीं पढ़ेंगे, कल कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, कल नई चीजें पढ़ेंगे, ना करो सर खत्म क्लास, चलिए बेटा आप, नई क्लास शुरू हो चुकी है, मैथ्स की भी शुरू हो चुकी होगी मेरे को लगता है, और उधर साइंस की भी क्लास शुरू हो चुकी होगी, तो वो टीचर भी आपका वेट कर रहे हैं, आप उनकी क्लासेस भी अटेंड कीजिए, अकेले इंग्लिश ही थोड़ी पढ़ोगे, हाँ छाबा, एक कह रहा है छाबा होते हैं, ठीक है। तो आज मैं देखूंगा बेटा, 400 कमेंट होना चाहिए वीडियो के नीचे, सब बच्चों ने कमेंट करना है
है आज, देखते हैं आज 400 कमेंट पूरे करता हूँ टारगेट के, नहीं पूरे कर पाते हो ठीक है। चलिए जी, एक कमेंट ही तो करना है, पैसे नहीं लगने उसके लिए आपके कोई। चलो बेटा मिलते हैं आपसे कल रात को 8 बजे। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जल्दी ही आपके 2 बड़े पेपर आने वाले हैं। PSSSB का आने वाला है, उसके बाद वीडियो का एग्जाम आने वाला है। पंजाब पुलिस की भर्ती तो बेटा आपकी होती होती है डेली, क्या बात है। स्कोर बहुत अच्छा बेटा आप सबका, स्कोर आज मैं कह रहा हूँ फट्टे चक दिया आप सभी ने। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ऐसा ही स्कोर आपका आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ही स्कोर आपका आना चाहिए। ओके कल मिलेंगे सभी से, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।